डॉक्टर चेतन मैं सीधा काम की गल करना, एक तो अपनी फीस 50 लाख रखी हुई है, थोड़ू पता है बड़े बड़े हॉस्पिटल ने, इन्होंने लखा के इक्विपमेंट्स ने, स्टाफ है, मशीन ने, तुम ये सारे खर्चे 50 रुपए में नहीं पूरे कर सकते। डॉक्टर चेतन तुहानू भी पता है कि अभी दिन रात एक करके लखा रुपया खर्च के ताकि जाके हॉस्पिटल बने साढ़िया भी फैमिलीज ने नीड्स ने, तुम आप ही दसो 50 रुपीज नाल की होंगे। जो एक साल का आके इतने क्लीनिक खोलिया है सब कुछ उल्टा होया पे, साढ़े पैसे 20% रह गए हैं तो तुहाडे क्लीनिक में पैर धरू था नहीं, ये धक्का नहीं तो होर की है। डॉक्टर उम्मीद कल मेरे को एक हर पेशेंट आके कहता कि तुम अपनी फीस 500 क्यों रखी है, जबकि डॉक्टर चेतन का सॉरी आई मीन डॉक्टर चेतन का 50 रुपये लेंदा, दसो मैं उसको की जवाब दिंदा, ये कहना कि असं वधिया डॉक्टर हाँ तो घटिया डॉक्टर ने। देखो असं बस इन्ना चाहते हैं तुम अपनी फीस साढ़े बराबर कर लो, गल खत्म, असं भी तो चाहते हैं गरीबों का भला हो, इलाज इन्हों की हेल्प की जाए, पर आप भी तो अपना बिजनेस चलाना है। वेरी गुड डॉक्टर साहब, क्या बात है, आप भी तो अपना बिजनेस चलाना है, अगर दिल की गल जुबान से आ ही गई। डॉक्टर उम्मी तुहाडे लिए प्रोफेशन बिजनेस होगा, पर मेरे लिए सेवा है, निष्काम सेवा। मैं डॉक्टर पैसे कमाने नहीं बनया, गरीब लोगों का इलाज करने बनया। डॉक्टर उम्मी डॉक्टर जिसदियाँ बेसिक जरूरत 50 रुपए फीस पूरी हो जाती हैं, तो मैं अपनी फीस करनी लगा। हाँ एक गल तुम होर दस दें, मेरे मदर की डैथ दिल का दौरा पैना हुई थी, इलाज महंगा होने कारण अभी सर्जरी नहीं करवा सके, मेरे पिता जी की बेबसी के उदास चेहरा मैं अज भी याद है, सो मैं नहीं चाहता मेरे होंदया मेरा कोई गरीब भाई भैन सिस्टम के विरुद्ध दर्शाते भी हो, यह पार सारे मरीजों को पढ़ाने हो जाए कोई खास कैटागरी के लोगों। डॉक्टर संदीप तुम भाई कन्हैया जी बारे तो जानते हो जी, जानता फिर मैं उन्होंने तो सीखा कि डॉक्टर लिए सारे मरीज बराबर होंगे ने, सो मैं अपने सारे मरीजों को एक तरह ट्रीट करता, बाकी राजनीति नाल तो अभी सारे किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं। भाई मैं सुने सर्वहित पार्टी के सरकार नंबर तुम बिल्कुल सही सुने, पर मैं सिस्टम के खिलाफ काम नहीं करता। डॉक्टर साहब सिस्टम के खिलाफ काम करने सिस्टम को चंगा बनाने लोगों को जागरूक करने बहुत फर्क होंगे, डॉक्टर होने के मैं जागरूक नागरिक भी हाँ, अपने लोगों को सोना जीवन जीवन के देश प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझने प्रेरित करना मेरी जिम्मेवारी है। अंजलि हूँ शायद इन्होंने कॉफी की लोड़ नहीं रही, तू कॉफी अंदर ले ला। चेतन की कह रहे हैं की होया कुछ नहीं होया बस चलते हैं। डॉक्टर चेतन चंगा समा माड़े समय च बदल लग्या, बहुत ही देर नहीं लगी, ध्यान रखियो। शुक्रिया मतलब मारे उस तो ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। लंबे लंबे साल लग रहे इतने दर्द होंगे ज्यादा होंगे की गल कोई सट लगी हुई है
ਨਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਤੇ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗੋ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੜਾਈ ਖੇਡ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਕਾਲਜ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਕੀ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਖੇਡ ਲਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਣਪੜਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਬਣੀ ਦੇ ਛੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਠਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਅੱਗ ਕੇ ਡਾਂਸ ਚੱਕ ਲਈ ਮਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੋਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਕੰਨਰ ਨੇ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਜੱਗ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੇਰਾ ਦਾ ਮੁੱਥੀ ਡੇ ਗਿਆ ਪੰਜ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਾਫਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਸਦਨ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਤਲਿੰਗਾ ਜਾ ਪੈਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਜੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਣ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿਸ਼ੋ ਬਸ ਸੱਪ ਲੈ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵੜ ਜੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲੋ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾਣੀਆਂ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਆ ਟਿਊਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁੱਖੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਸੋਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ
इन्नी बिंदा बने मैं बारे रिश्तेदारी इन्हें दसनी जरूरी सी। चल जा अंदर डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब बड़ी काला जी जान दी मैं सुई है बेटे काले से चला जा वही रहने दे ना ना जी फिर आ दवाई दा दे दो तकलीफ की है साह चढ़दा जी फिर छाती च ढंग जे बजे दा कहंदे ने 7-8 दिनां दा बाणी दर्द होई जांदा नाले टेस्ट जे कराए एक डॉक्टर कहंदा भाई तेरा खून गाढ़ा बहुत हो गया मैं कहा जी गाढ़ा हो गया पतला कर दो अगो असर लग पिया मेरे चाचे दा मुंडा कहंदा तू डॉक्टर चेते कोले जा शराब तो नहीं पीता ब्याह शादी लाए लेने जी घुट मूं नहीं कदम पीती दसो खराबी है जी कोई खराबी तो कोई नहीं पर अगे तो मिठा बिलकुल ही बंद कर दे तेल घ्यो भी कर तेरा कोलेस्ट्रोल बहुत बढ़िया हो तेरी समझ तो बाहर अब वैसे खून कदम गाढ़ा नहीं होता अवे डरा दिता तेन ले मैं तो कहता पानी बहुत नहीं लगे जी चले तो चंगा इसे बहाने तू पानी तो ज्यादा पी लग गया आ दवाई सारी खानी है जिन्हें लिखी है ठीक है जी पर नरे हाँ अब फोन तो इतना उच्च बोलने का है इतना उच्च बोलना दिल्ली चंगा नहीं होगा चंगा जी डॉक्टर साहब बाउडी का खाना जी कुछ नहीं खाना ले फिर मैं सुई का फायदा की होया मैं सुई का छाती में पहले भी कई बार दर्द हुआ है पर कुछ समय से बहुत ज्यादा हो रहा है किस वक्त हुआ है दर्द रात को सोते वक्त काफी होता है जब कुछ ज्यादा सोचता हूँ तो कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है काम भी करते हो जिस स्कूल जाता हूँ और एक साहित्यकार ओ साहित्यकार समाज का शीशा भाई फिर सोचना भी तुम्हारी मजबूरी है तो साहित्यकार का था तो सोचे ही ना वैसे तुम लिखते की हो कहानियां लिखता हूँ कभी कभी कविताएं भी लिख लेता हूँ वो दरअसल मुझसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती जब भी किसी आदमी को या फिर किसी जानवर को तकलीफ में देखता हूँ ना तो मेरे अंदर एक तीस उठती है जो मुझे झंझोड़ के रख देती है तेरे जिंदा होने का सबूत ये है कि तेरे अंदर चीज उठती है जिस दिन चीज उठनी बंद होगी उस दिन तू मर जाएगा दुनिया में 10% लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं जीवन का दुख दर्द देख के उनका मन सीज जाता है यही संवेदना साहित्य का रूप धार के साथ सामने आ जाती सर जिनको इस तरह की तकलीफ नहीं होती वो शरीरक तौर पर जिंदा जरूर दिखाई देते हैं पर चेतना के पद्धर एक तरह डेड नहीं होते बाकी इंद्रजीत जी एक थ्योरी है सिस्टम ते स्ट्रेस साडा सोशो क्रिटिकल सिस्टम लोगों की स्ट्रेस का मेन कारण है 90% लोगों का शिकार है यही स्ट्रेस अगर चल के बीमारी का रूप धार लेना इसलिए देश का इतना बुरा हाल सर देश का इतना बुरा हाल हो जाएगा कभी सोचा नहीं था हर रोज बलात्कार हो रहे हैं कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई किसान या मजदूर खुदकुशी नहीं करता गरीब दिनों दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है इस पूंजीवादी व्यवस्था ने आदमी को चीजें बेचने और खरीदने तक सीमित कर दिया और ये टेक्नोलॉजी इसने तो आदमी को आदमी से ही अलग कर दिया है इसका कारण है साडा माड़ा सिक्ख्या प्रबंध जिसने मनुख नु साखर तक कीता पर जीवन दृष्टि नहीं दी जी इंद्रजीत बाणी लिखे विद्या विचारी ता परोपकारी ता विद्या ने ही मनुख नु जीवन दृष्टि देनी हुंदी है वो दृष्टि जिहड़ी उस नु इस ब्रह्मांड नु सोहणा बनाउण ते समझण लई प्रेरित पर मॉडर्न एजुकेशन ने आदमी नु सिखाया कि पैसा कमाउणा ते जमा करना ही जीवन दा एकमात्र मंत्र है इसी मंत्र ने आर्थिक लूट नु जन्म दित्ता सर मुझे लगता है कि हम विकास के नाम पे विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं ये धरती हवा पानी अनाज ये सब कुछ हमने दूषित कर दिया है जंगल खत्म हो रहे हैं और ये पशु प्लास्टिक की थैलियां खाने को मजबूर हैं इस दिखावेबाजी के कल्चर ने आदमी को बाजार में व्यस्त कर दिया और उन्हीं बाजारों से हम कूड़ा करकट खरीद खरीद कर अपने घर भरे जा रहे हैं सही क्या और सर मैंने देखा कि अध्यापकों के बीच कपड़े और कारों के मुकाबले चल रहे हैं कल मुझे एक प्रोफेसर मिले बोले इंद्रजीत हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ दो ही लोग स्कोडा में आते हैं मैंने कहा जी कौन
बोले एक तो मेरी पत्नी और दूजे वाइस चांसलर। मैंने कहा जी बढ़िया, अब आप ही बताइए सर, ऐसे अध्यापक बच्चों को क्या दृष्टि देंगे? वही तो मैं कहा कि मॉडर्न एजुकेशन जो आत्मिक उन्नति दे ज्ञान पूरी तरह गायब है, जानकारी दे ज्ञान विच अंतर समझण च असीं पूरी तरह नाकाम रहे हैं जी। मनुख नूं ज्ञान तो दूर रखना सरमायेदारी की साजिश है। सो इंद्रजीत जी, डटे रहो इस सरमायेदारी सिस्टम के खिलाफ, कौन देर तकलीफ यही तकलीफ एक दिन सरमायेदारी का खात्मा करेगी। बाकी मैं दवाई लिख रहा, कुछ दिन सवेरे उठ के सारी एक्सरसाइज करनी है जी। ते तुहाडे कोल तुहाडी लिखी कोई किताब है तां मैनूं जरूर दे जी। बिल्कुल जी, मेरी नई किताब अमलतास उदास है जी। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे सर ये सिस्टम और स्ट्रेस की थ्योरी किसने लिखा? उस ना चीज को डॉक्टर चेतन कहते थे सर। ये तो आपकी लेखक हुए, कमाल कर दिया। कमाल तो उस दिन होगी जिस दिन सिस्टम के स्ट्रेस की थ्योरी लोगों के खाने में पड़ेगी। लोग उठन गए ते सरमायेदारी प्रबंध नु तहस नहस कर देंगे। जी। मैं कोई लोड़ नहीं, खुल के दस जी। मैं कुड़ी ने
प्यार करता सी नाल पढ़दी सी आईएलएस दी कोचिंग लैंदी सी स्कूटर ते छड्डन जांदा लै के आउंदा अपनी फीस विच ओनू आईफोन लै के दित्ता टेस्ट पास कीता ते मैनू बिना दसे कनेडा चली गई हुण फोन नहीं चलदी व्हाट्सएप ते फेसबुक आईडी नहीं बंद आ सर बहुत परेशान है लगदा सब कुछ खत्म हो गया दिन घर दा कुछ खा के मर जा अच्छा गोली खा के मर जा तेरे घर विच कौन बणा ਜੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਪੜਾਅ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਨਾ 8 ਕਿੱਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜੇ ਖੇਤੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਚਲ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਨਾਲੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਂਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਰ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਨ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਰ ਆਇਆ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਦਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਸ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂ ਕਰ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇ ਦੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਨ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਖ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੰਡ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਚੇਤਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ
की परवाह नहीं, मरीजों की फिक्र। उन्होंने मेरा रिश्ता सिर्फ डॉक्टर मरीज का नहीं बल्कि इसको कितने उपर है। असं पढ़े लिखे लोगों ने अपने लोगों को दिमागी कंगाली चो बाहर कटन का यत्न ही नहीं किया, इसलिए आजादी के 75 साल बाद ही नेर ढो रहे। मैं उन्होंने साथ नहीं दे सकता, बाकी सिस्टम मेरा क्लीनिक बंद करवा सकता है, मैं घर तो नहीं कट सकता। मतलब है कि मैं घर ही मरीजों का इलाज करा। जे साडे देश च फैसले इन्नी जल्दी होंदे तां दुख ही की सी। मैं डॉक्टर हाँ, इन्नी देर मरीजां तों दूर रहना ठीक नहीं, बेचारे कित्थे जाणगे उहनां कोल जिन्हां ने साजिश कीती है। ओ सब तां ठीक है, पर घर दे कम्मां वास्ते थोड़ा बणिया। पहली वार तां घर दी सही वरतों होण लगी है, जिस कम्म लई घर बनाया जांदा अज्ज ओह कम्म करन दा वक्त आ गया। नाले तेरा वी तां मेरे नाल इही शिकवा हुंदा सी कि मैं तैनूं वक्त नहीं दिंदा, 24 घंटे मरीजां नाल करा रहना, तेरा ही लंबा विहार दिंदे तूं मेरे नाल कम्म कराई। चेता तेरा कुछ नहीं हो सकदा। ਹੋਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਹੋਲੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੁੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। हेलो, हाँ जी बोल रहा। हाँ ऐदा करना, कल सवेरे मेरे घर ही आ जाना, घर ही दवाई देंगा। हाँ जी, और सुखी फोन करके घर का एड्रैस ले लो, नहीं पिंड अनाउंसमेंट करवा दो भाई कल तो मरीज मेरे घर ही आ। ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, की नाम है जी? जी धनवती। ਸਭ ਨੂੰ
भगत सिंह बनना पवो मेरा मतलब भगत सिंह वांगू पढ़ना लिखना पवो देश प्रति जिम्मेवारी समझना पवो समझा छोटे गुड मैं दवाई लिख रहा 15 दिन खानी है ते हां हम कोई नशा नहीं करना एक भी उतर रहा था मरना चाहता है आना जी खाता ब्याह भी करवाना जी बस तेरा शराब दे टीम छोड़ दे ठीक है जी चंगा भाई जी हम अपने अंदर जाओ हां भाई अपने फोटो भी दिखा दे अपने साहब नु ठीक है राम राम डाल दे साहब हां जी माता जी आ जा बैठ जा माता पंजाबी समझ लेंगी या हिंदी में बात करूं समझ लूंगी भाई घने साल हो गए पंजाब में रहते माता रिपोर्टर तो तेरी ठीक में बस थोड़ी शुगर बनी हुई है डॉक्टर साहब कई बार दम सा रुक जाए मुड़ कर फिर हटता है ना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्राण तो गए हे जी आंखों में तो पानी सा आ जाए सारा शरीर ठंडा हो जावे है माता घर सब सुख सा है और तो सब ठीक है बस एक बात का दुख है जो मैं जी मेरे घर पोता ना है मेरी बहू के पास दो छोरिये छोरी बड़े साधु संता के पास गए बतेरे घर के तबीयत बधाए पर कोई असर ना हुए मेरा ना कि मारे कर्म कर का एक कलच्छड़ी मेरा तो पोते का मुंह देख ले जा गट्टी पड़ी से जय रन्ना मरे तो पहला पोते का मुंह ना दिखाया तो मेरी गत्तो होने दी मैं तो ऐसे भटकती फिरा की डॉक्टर साहब माता इधर मतलब है तेरे घर हम तक पोता नहीं हुआ बस ऐसे करके तो बीमार रहनी है ऐसा ही लगे आप बताओ जब पोता ना हो यार तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा हर ऊपर तो ये रिश्तेदार दिन रात बद्दुआ दिए जाते हैं कि इनके घर पोता ना हो और सारी जमीन जायदाद तो ये छोरियां ले जाएंगी मारा तो ना वो निशाना मिट जाएगा डॉक्टर साहब जे आप कोई समझदार हो जी बहुत सुना है आपके बारे में आप भी कोई दवा बुट्टी दे दो बड़ी मेहरबानी होगी ओ माता हम तेनु की कहां आप मेरी बात नहीं समझे जी मेरा घर आला अपने बाप का इकलौता छोरा फिर अगर मेरे भी छोरा हो गया अरे जो मेरा पोता ना होया तो मेरी जिंदगी का कौन बचेगा जी अरे रिश्तेदार ही जिंदेंगे और तो और बस सुधरी मेरी जिठानी प्रीतो रोज तड़के आ जा लस्सी लिए तो बड़ा हो गया हमारे घर ये बेबे ये तेरा घर तो सुनना पड़ा तेरे घर तो पोते बिना भाग्य ना पर कोई बात ना तेरे जमाई संभाल लेंगे सारा कुछ दो हिस्सा में बांट कर ले जाएंगी जमीन जो यादा मौज करेगी हाय डॉक्टर साहब तो इसको बांट कर ले जाएगी चली इनने तो मेरा जीना इधर भर कर रखा और तो आपने क्या बताओ बाबी नगर एक बात का रट्टा लगा के रखा मेरे छोरे ना घर रख ले मेरे छोरे ना घर रख ले छोरा ना होया कोई नहीं खदान का हीरा हो जा मैं तो रख दे छोरा मेरे लिए तो पोता होगा होगा ना जी अरे मां नगर मेरी का है ये भाभी बुढ़ापे में बस संभालने वाला भी तो चाहिए और घर की जमीन घर रह जाएगी हाँ डॉक्टर साहब जमीन के नाम पर तो मेरा काल जाए पाक जाए तब क्या तो दिल पर चीज उठे जाए माता कैडी दुनिया में जा रही है कुड़ियां चांद पे पहुंच गई ने आज कुड़ियां मुंडिया नालों भी अगे ने वो केड़ा काम है जो कुड़ियां नहीं कर सकती वो खेती भी कर सकती ने ट्रैक्टर भी चला सकती ने वे सोच भी तेरे घर में दो लायक पोतियां ने जो सारे सब दे सकती ने तू अपने शरीकियां नु क्या कर भी मेरीयां पोतियां ही मेरे पोते ने उन्होंने याद रखी मेरी गल आ दुख वेले पोते ने कौन नहीं खड़ना पोती ही मुझ पानी पौन गया पोते को दुख ही देंगे पोती तो मेरी ठीक है सर पर रब का के चला जाता जे पोता दे देता मतलब रब दी तो रब ही जाने पर मेरी एक गल ध्यान ना सुन ले जे कुड़ियां जमीन जायदाद तो हिस्सा बनाना चाहन तो वो मुंडा होने के बावजूद भी बना सकते ने कोई रोक नहीं सकता उन्होंने ये उन्होंने कानूनी हक है कानूनी हक या बात तो पता है नाथी जी पर आप बताओ जे कोई छोरी अपने भाई का हिस्सा बंडावा तो वह नरक में ना जाओ माता कुड़ी मुंडे से कोई फर्क नहीं होता तो फर्क सभी सोच में चाहे जिस करके ऐसी कुड़ियां नू मुंडे तो कट समझते हैं जिस करके आप पोते का व्यायाम दिल जो कर दे ते आज तो अपनी पोतियां नहीं पोते वालों प्यार करेगा अच्छा तो पोतियों को प्यार करेगी तेरे सारी चीजें हट जानी है नाले तेरे घर की जमीन घर में रह जाएगी पर जे जान पोते से बची रही फिर ऐसे चीज में तेरी जान ले लेनी है दसा तेनू मैं बात तो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब घर की जमीन ना 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 डॉक्टर साहब मन ने अभी ना मरना जी जे मां अपनी पोतियां में हिंच
बिल्कुल नहीं मरती, अजमा के देख लै। बाकी मैं दवाई लिख रहा, तीन दिन खानी है सिर्फ। की फायदा होया इन्ना मत्था मारन दा, जान दा हल भी दुध पुत्त दी फसी पी। ई बताऊंगी सुसरी प्रीतो ना, ये छोरी भी छोरा का कम ना होती।